जैसा तुम्हारे अम्मा बहनों को रख ले कि हम खर्चा नहीं दिए जैसा बोले बात करे तुम लोग पूरे कमेंटा वैसी छे पूरों के कुछ एकाध को छोड़ के सारों के कमेंटा ऐसा दे रहे मेरे खिलाफ जैसा कि इनके अम्मा बहनों को मैं रख ले के हूँ खर्चा नहीं दे रहा हूँ बोले ऐसा करे तुम लोग ऐसा तो मेरे को ये गंदे आदत है और किसी को रख ले के नहीं हूँ मैं शादीशुदा दो बच्चों का बाप हूँ एक शेर का बाप हूँ एक नेक दोस्तर का बाप हूँ अल्हम्दुलिल्लाह समझे ना रे मैं कोई तुम्हारे अम्मा बहनों को रख ले के नहीं हूँ मैं नहीं बोलना चाह रहा था मजबूर कर दिए समझे और मेरे वीडियोस देखो रे तुम लोग मेरे साले हैं तुम लोग क्या समझ ले रहे हैं अपने आप को क्या मैं मेरे को अपना नाजायज बाप समझ ले रहे हैं तुम लोग मैं तो कहीं ऐसी गंदगी नहीं करा मैं कहीं ऐसे जिना नहीं करा मैं कहीं भी ऐसी गंदगी नहीं करा मैं मुझे खौफ खुदा है मैं ऐसा कभी भी नहीं करा अल्हम्दुलिल्लाह किसको घसीट रहे तुम लोग अब मैं घसीटूँ मेरा चेहरा मेरे चेहरे पर कमेंट कर रहे ना फोटो फेस अच्छा नहीं है मेरा तुम्हारे अम्मा बहनों बीवियों को लेके आओ रियल में देखे तो पसंद कर लेते मेरे को अच्छे से पसंद कर लेते फिर लड़ लेते आपस में एक साथ न पाओ अलग अलग आओ ले लेके समझे चेहरे पे बोल रहे ना फिट फेस अच्छा नहीं है मेरा रियल में मगर तुम्हारे अम्मा बहना और बीवियां पसंद कर लेते मेरे को ठीक है और अमजदुल्ला खान खालिद ये माहौल तुम खराब कर रही है तुम खराब कर रहे तुम अपने लचपिंदों को लौंडों को समझा लेना तुम खुद भी समझ जाना वरना 1994 से तुम्हारी जो है हिस्ट्री खोद डालूंगा मैं तुम लोग क्या क्या करें एक वार्निंग दे रहा हूं मैं अगर दम है कमेंट पास करने वालों में गाली भी देना है साले मेरे जैसा वीडियो बनाओ डंके की चोट पे और तुम लोग जलील हो तुम लोग जो है 12 रबी नूर का दिन है मैं तुम लोगों को बख्श रहा हूं और एक जो है मस्जिद से अहले हदीस मस्जिद से अनाउंसमेंट की खुशी में गाली नहीं दे रहा हूं वरना जो है तुम लोगों को मालूम है सारी दुनिया जानती है सैयद यूसुफ अली अगर गाली देने बैठा तो अलीफ से लेके या तक हर हर्फ से हजार हजार गाली देता हूँ एक भी रोजा छुटता ना ढूंढ ढूंढ के मारता था जो भी ये करेस वाले और कराज वाले अब ये मीटिंग करके अगर फिर कोशिश करेंगे हसन खुदा की घरों में से जोरों के बगलों में से खींच खींच के मारूंगा याद रखो नहीं पहचानते अभी तुम लोग मेरे को सैयद बोले तो हम मदीना तुर्की से सैयद है अपन एक मार तुर्की मालूम ना देख रहे हैं अर्तुरुल गाजी उस्मान गाजी का सीरियल देखो कौन सी नस्ल है हम एक मार दो टुकड़े फिर याद रखो हाँ इस वीडियो के तमाम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और दीगर मजाहिब के लोग आदाब अर्ज़ है सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग मैं सैयद यूसुफ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए पेश हो रहा हूँ और इस बार बहुत जल्द आ गया मैं एक बेखूब जो है कमेंट में सबसे पहली चीज़ चलिए बताता चलूँ हाँ एक बेखूब जो है नमस्ते क्यों नहीं बोल रहे बोल के बोल रहा क्योंकि नमस्ते का माना है मेरा सर तुम्हारे कदमों में इसीलिए मैं वो जब से माना मालूम हुआ मैं वो नमस्ते बोलना छोड़ दिया सामने मेरे बिजनेस फ्रेंड्स भी आ गए मेरे या पुराने जो है फ्रेंड्स आ गए तो सबको मैं जो जैसा समझता आधा वर्ष है बोल दे रहा हूँ नहीं तो गुड मॉर्निंग बोल दे रहा हूँ गुड आफ्टरनून बोल दे रहा हूँ गुड इवनिंग जाने हल नमस्ते छोड़ के सब बोल रहा हूँ ये आधा वर्ष है जो बोल रहा हूँ मैं तमाम हिंदुओं के लिए है तमाम हिंदुओं के लिए है तो आदाब अर्ज़ है इसलिए आदाब जो है इसलिए कर रहा हूँ कि नमस्ते नहीं बोल रहा हूँ उसका मतलब और माना यह है आप लोग भी जान लें मेरा सर तुम्हारे कदमों में इसलिए मैं वो नहीं बोल रहा हूँ अब रही दूसरी चीज़ एक शाम चारमीनार के नाम पे जो बवाल खड़ा किया गया जो मुखालिफिन ने जो झूठा प्रोपोगंडा चलाया मेरा सवाल ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने क्या किसी को आने की दावत दी थी खुद आओ अपने घर की खवातीन को लाओ बोले क्या और ये बच्चों को आके नाच करो नाच गाना करो बोले क्या कोई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी अपील नहीं करे ना बोले ना हबीब मिलत अकबरुद्दीन अवैसी साहब बोले ना दूसरे MLA बोले ना कोई कॉरपोरेटर बोले ना कोई कारकुन बोले तो पहुंच गए सारे के सारे जिसमें हिंदू और मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब वहाँ पर उस दिन दिखी कुछ नाच गाना बच्चे कर लिए और माशाल्लाह क्या बोलूँ अल्लाह नेक तौफीक दे हमारे हैदराबाद के बच्चों को दीन से दूरी है जो
इतना बेफिक्र हो गए वो लोग कि जहाँ मौका मिला नाच ले रहे हैं, गलियों में जो है बच्चे अपना अपना बर्थडे मना ले रहे हैं, नाच ले रहे हैं। यानी एक माहौल अजीब और गरीब है, वहाँ पर भी बच्चे एक मौका बना लिए। वो बेचारे ब्रास बैंड वाले जो है, इस पुलिस वाले, वो लोग उनका बैंड बजाने वालों को जो है तीन मार मारो बोल दिए, मरफा मारो बोले तो वो लोग भी इतने चिकट थे वो भी मार दिए। वो बहरहाल नाच लिया, कॉमेडी हो गई वो, मगर ऐसा हाल हो गया। अल्लाह नेक तौफीक दे के हर जगह नाचना गाना गलत है, ये तो हम पहले से ही बोल रहे हैं। वहाँ नाचने गाने का कोई इंतज़ाम नहीं था, बच्चे मौका बना लिए, बच्चे हैं वो, बच्चियाँ नहीं हैं, समझे। और दूसरी चीज़, कोई ख़वातीन को इन्वाइट नहीं करे थे। बस असल चीज़ ये थी, डेवलपमेंट की तो बात है ही है, इतना जो है वहाँ के व्यापारियों को जाके, वहाँ के कारोबार करने वालों को, छोटे बड़े सबको पूछो कि क्या हाल हो गया था, कारोबार का बहुत डाउन हो गया था। उस डाउन कारोबार को उठाने के लिए एक प्रोग्राम किया गया ताकि लोग आ सकें, और कामयाब हो गया वो मकसद हमारा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का वो मकसद कामयाब हो गया और कारोबार इंशाल्लाह जो है बढ़ चुका है और भी बढ़ेगा। अब दूसरी चीज़, वो सलीम बुड्ढा, सबसे पहले मैं जो है आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देता हुआ चलूँ। फजर की नमाज़ को उठा, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन एक मौका बन गया, बोल दे रहा हूँ मैं। फजर तक मैं होशियार था। हमारे मोहल्ले की अहले हदीस मस्जिद से फजर की अजान हुई, उसके बाद मौज़न साहब माशाल्लाह ऐलान करे, आज 12 रबी अव्वल का दिन मनाया जा रहा है तो ख़वातीन के लिए भी मस्जिद में नमाज का इंतज़ाम किया गया है, तो ख़वातीन से भी गुजारिश है कि मस्जिद को आके नमाज पढ़ लें, ताकि 12 रबी अव्वल मनाया जा रहा है। तो ये एक बहुत खुशी का जो है दिन है मेरे लिए कि एक अहले हदीस मस्जिद से ये अनाउंसमेंट हुआ। माशाल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब कोशिश है, जो कलमे की बुनियाद पर तमाम मसलक, तमाम अकीदे के लोगों को एक करते हुए आ रही 60-70 साल से। आज मेरे को बहुत सालों से तो कामयाबी नज़र आई, लेकिन आज फिर जो तफरीका हो गया था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक मस्जिद से आवाज़ आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरी चीज़, वरना वो खुशी के आलम में मैं जो है ये बहुत सारी चीज़ें बोलने बैठा था। एक तो 12 रबी नूर का दिन है, सबको मुबारकबाद है इस वजह से जो है, और ये जो मेरे वीडियो पे मैं ये जो एक जो पार्टी थी जिसका खातिमा हुआ, फिर जो है पानी के बरसाती मेंढक की तरह वो निकल के टाइम टाइम कर रही, वो मिल्लत बाटो तहरीक बोलो या मुस्लिम बाटो तहरीक, यानी MBT की बात कर रहा हूँ मैं, उनके दुखती रग पे जो है हाथ रख दिया मैं, ये फड़फड़ाना शुरू हो गए पूरे। अरे वो कमेंटा करने वालों, ऐसे कमेंटा कर रहे हैं, मैं क्या करा रहे, हकीकत तो बोला ना मैं तुम लोगों को, हकीकत बोला मैं तुम लोगों को। तुम लोग तो ऐसा रिएक्ट करे जैसा तुम्हारे अम्मा बहनों को रख ले के हूँ, खर्चा नहीं दिए जैसा बोले बात करे तुम लोग, पूरे कमेंटा वैसी छे पूरों के, कुछ एकाध को छोड़ के सारों के कमेंटा ऐसा दे रहे हैं मेरे खिलाफ जैसा कि इनके अम्मा बहनों को मैं रख ले के हूँ, खर्चा नहीं दे रहा हूँ बोले ऐसा करे तुम लोग ऐसा। तो मेरे को ये गंदे आदत है, किसी को रख ले के नहीं हूँ मैं शादीशुदा, दो बच्चों का बाप हूँ, एक शेर का बाप हूँ, एक नेक दोस्तर का बाप हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, समझे ना रे। मैं कोई तुम्हारे अम्मा बहनों को रख ले के नहीं हूँ, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मजबूर कर दिए समझे। और मेरे वीडियोस देखो रे तुम लोग, मेरे साले हैं तुम लोग, क्या समझ ले रहे हैं अपने आप को, क्या मेरे को अपना नाजायज बाप समझ ले रहे हैं तुम लोग। मैं तो कहीं ऐसी गंदगी नहीं करा, मैं कहीं ऐसे जिना नहीं करा, मैं कहीं भी ऐसी गंदगी नहीं करा, मुझे खौफ खुदा है मैं ऐसा कभी भी नहीं करा, अल्हम्दुलिल्लाह। किसको घसीट रहे तुम लोग, अब मैं घसीटूँ, मेरा चेहरा मेरे चेहरे पर कमेंट कर रहे ना, फोटो फेस अच्छा नहीं है मेरा, तुम्हारे अम्मा बहनों बीवियों को लेके आओ, रियल में देखे तो पसंद कर लेते मेरे को, अच्छे से पसंद कर लेते, फिर लड़ लेते आपस में, एक साथ नको आओ अलग अलग आओ ले लेके, समझे। चेहरे पे बोल रहे ना, फोटो फेस अच्छा नहीं है मेरा, रियल में मगर तुम्हारे अम्मा बहना और बीवियाँ पसंद कर लेते मेरे को, ठीक है। और अमजदुल्ला खान खालिद, ये माहौल तुम ख़राब कर रही है, तुम ख़राब कर रहे, तुम अपने कचपिंदों को लौंडों को समझा लेना, तुम खुद भी समझ जाना, वरना 1994 से तुम्हारी जो है हिस्ट्री खोद डालूंगा मैं, तुम लोग क्या क्या करें।
एक वार्निंग दे रहा हूं मैं, अगर दम है कमेंट पास करने वालों में, गाली भी देना है साले मेरे जैसा वीडियो बनाओ डंके की चोट पे, और तुम लोग जलील हो, तुम लोग जो है 12 रबी नूर का दिन है, मैं तुम लोगों को बख्श रहा हूं। और एक जो है मस्जिद से, अहले हदीस मस्जिद से अनाउंसमेंट की खुशी में गाली नहीं दे रहा हूं, वरना जो है तुम लोगों को मालूम है, सारी दुनिया जानती है, सैयद यूसुफ अली अगर गाली देने बैठा तो अलीफ से ले के या तक हर हर्फ से हज़ार हज़ार गाली देता हूँ, याद रखो तुम लोग। ये कमेंट आप पास दम है तो मुझे झुटलाओ, मैं जितने भी बातें वीडियो में बोला मुझे झुटलाओ, ये वीडियो की भी बात झुटलाओ। अमजदुल्ला खान खालिद 1994 यानी 1994 से तुम्हारी हिस्ट्री खोद डालूंगा, क्या क्या करे तुम लोग, याद रखो। मुस्लिम बाटो तहरीक जो बनाए थे, MBT जो बनाए थे, उससे जो है उसमें पूरे जो है पूरे जलील किस्म के लोग जमा हुए थे। जैसा जैसा तुम कमज़ोर पड़ते गए सब अलग अलग पार्टियों में भागे। मुखालिफी ने मजलिस की, इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये लोग कहाँ तक हद तक जो है इल्ज़ाम लगाते हुए झूठ बोलते और कुरान का तर्जुमा बदलते, अगला वीडियो वो रहेगा इंशाल्लाह ताला। सुने रहे कमेंट आप पास करने वालों, होशियार हो जाओ। सैयद यूसुफ अली बोलते पिछली दफ़ा गुट्टे पे टोपी लगा के आके, दाढ़ी रख ले के आके धोखे से मारे मेरे को, हाथ टूटा चल गया। और उसके बाद रमज़ान आया, रमज़ान में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करा, मेरी ये तकलीफ़ की वजह से मेरा कोई रोज़ा नहीं छूटा, बस उस एवज़ में मैं खामोश बढ़ गया। अगर एक भी रोज़ा छूटता ना, ढूंढ ढूंढ के मारता था जो भी ये करेस वाले और कराइस वाले। अब ये मीटिंग आ करके अगर फिर कोशिश करेंगे, कसम खुदा की घरों में से जोरों के बगलों में से खींच खींच के मारूंगा, याद रखो। नहीं पहचानते अभी तुम लोग मेरे को, सैयद बोले तो हम मदीना तुर्की से सैयद है अपन, एक मार तुर्की मालूम ना, देख रहे हैं अर्तुरुल गाजी, उस्मान गाजी का सीरियल देखो, कौन सी नस्ल है हम, एक मार दो टुकड़े। फिर याद रखो, हाँ मदीना मुनव्वरा तुर्की हिंदुस्तान, ऐसा पूरा शिजरा है हमारे पास। गालियां मैं भी दे सकता हूँ और खुला वीडियो में दिया हूँ अब तक, और तुम लोग ये बात गौर नहीं करे, नामा खुल लो, जितने भी मीम मुखालिफ मजलिस है, सलीम बुड्ढा हो, वो रियाद में बैठा हुआ चिंदी चोर कबीर सिंह, क्या नाम उसका, फाद मकचूची हो, ये फारिस खादरी हो, ये पोटे को तो खैर मैं कुछ भी नहीं बोला, वो इमरान कहते मैला रद्दपल्ली में बोले मेरे कमेंट में कोई पिक किए, चोर का केस चल रहा, उन्हें फ़ोन करने की कोशिश कर रहा मेरे को, उन्हें रिकॉर्ड करते मेरा फ़ोन मेरे को बता रहा, इन्हें रिकॉर्ड कर रहा बोल के। तो खैर ये जितने मीम के मुखालिफिन मजलिस है इनको मैं डायरेक्ट गाली दिया, इनकी अम्मा बहन ने करा, और जितने काफ मुखालिफिन मजलिस है, मुस्लिम दुश्मन है, बकरीद से पहले का वीडियो देख लो, कल्लू सिंह, कालू सिंह, लड्डू यादव, राजा सिंह, उससे पहले के पुराने चार चार साल पुराने राजा सिंह को, धर्मापुरी अरविंद को, बंडी संजय को, ये काफ है बोल के इनकी माँ बहन सब करा, और मुखालिफी ने मजलिस जो भी मीम है उनको डायरेक्ट गाली दिया, माँ बहन ने करा, हम में तुम में ये है फरख। तो मैं तुम्हारा तुम लोग बाप की तलाश में है, मैं नहीं हूँ वो तुम्हारा बाप, मैं नाजायज़ कामा नहीं करा, ना कोई मेरी नाजायज़ औलाद है। तो दम है तो मेरी बात को झुटलाओ, अमजदुल्ला खान खालिद इन लौंडों को रोको, ये तुम्हारे बोलने पे कमेंट पास कर रही है पूरे, वरना 1994 से और 1996 में कौन कौन हैदराबाद से MP इलेक्शन को कंटेस्ट करे, क्या मकसद था, ये सब खोल देता मैं। अब तुम्हारा खाली पार्टी का नाम बोलो मैं, मुस्लिम बाटो तहरीक MBT, मेरे हाथा पैरों में मत आओ, सऊदी अरब से नाम जाके पूछ लो, टाइगर का खिताब वहाँ से मिला हमारे को, सऊदी अरब से, तुम लोग यहाँ गलियों में टाइगर ही कर लिया, हम सऊदी अरब में करें, गर्दन काट देते वहाँ पे, खून का बदला खून, वहीं नहीं छोड़े हम, समझे, अपनी हद में रहो। तुमको अगर मेरी बात से ना इत्तेफाकी है, ये झूठ बोल रहा हूँ, तो आओ वीडियो बनाओ बोलो, माहौल तुम ख़राब कर रहे हैं अमजदुल्ला खान खालिद, झूठे इंसान, ये लौंडों को रोको, वरना या मेरे को कुछ होगा या पुट्टों को कुछ हो जाएगा, तो तुम जिम्मेदार है इसके, मैं तो लिख के रख दे रहा हूँ, मेरे को कुछ होगा या बच्चों को कुछ होगा या कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाएंगी, अमजदुल्ला खान खालिद जिम्मेदार है इसका, अपनी हद में रहो, समझे। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, सबको फिर एक मुबारकबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, यार जिंदा, सोबत बाकी, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।